तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और मेरे साथ में ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा हुआ है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जियो के 1 रुपये वाले प्लान के बारे में। कल तक ये मामला काफ़ी अच्छा था और मैं चीख चीख कर प्रचार करने वाला था कि इससे पहले ये खुशी एक दिन से ज़्यादा टिकने वाली नहीं थी। दोस्तों, ये कल का स्क्रीन वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर 1 रुपये वाला जो प्लान था जिसके अंदर आपको 30 दिन की वैलिडिटी के साथ में डेली 200 MB का डेटा देने की बात की जा रही थी, तो मैं ये समझ रहा था कि ये जियो का सबसे बेस्ट प्लान है। क्योंकि आजकल एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपने मिनिमम प्लान कम से कम 70 रुपये से ऊपर ही देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पर वैल्यू में जाकर देखते हैं तो ये कल का वीडियो है जिसके अंदर 30 दिन की वैलिडिटी के साथ में 100 MB डेटा आपको यहां पर शो कर रहा है, जिसका स्क्रीन वीडियो मेरे पास में पड़ा था। और आज की डेट में अपने आप को सभी जियो यूज़र जो कि सिर्फ वैलिडिटी बढ़ाने के हिसाब से देख रहे थे इस प्लान को, लेकिन ये प्लान ज़्यादा दिन आपको यानी कि 24 घंटे में ही जियो ने अपना प्लान को पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया है। और उसमें क्या चीज़ है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप वापस जाकर चेक करते हैं उसी सेक्शन में, अदर सेक्शन में जो कि वैल्यू पैक का है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके होश ही उड़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से प्लान को चेंज कर दिया गया है और इस प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 1 रुपये के अंदर कुछ खास चीज़ें मिलने वाली नहीं है। और वो खास चीज़ें क्या है, 1 दिन की वैलिडिटी और 10 MB का डाटा। तो दोस्तों, अब शोक मनाइए और उसी पर ही रहिए। अगर इस कंपनी ने ये प्लान को कंटिन्यू किया होता तो कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला था, ये मैं बताता हूँ। दोस्तों, जो लोग 70-80 रुपये का रिचार्ज पर मंथ वैलिडिटी बढ़ाने के हिसाब से करते हैं, वो लोग यहाँ पर पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी को अपनाकर जियो में स्विच हो सकते थे, जिससे जियो के सब्सक्राइबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना थी। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि नई अपडेट जल्द आने वाली है।